एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जी सनस्क्रीन के हवाले से एक टॉपिक जिस पे हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। एंड गर्मियों में स्पेशली हम लोग को सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। एंड उससे हमारी स्किन पे क्या असर होता है एंड क्यों हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत होती है, क्या डैमेजेस होते हैं हमारी स्किन के हवाले से, हमारी स्किन की क्या हालत हो सकती है, आज उसी पे बात करेंगे। सो वीडियो पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ। गर्मियों में तो स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है सनस्क्रीन। एंड सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये है सनस्क्रीन स्प्रे जो कि हमारे प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, ठीक है। बट हम लोग इसको फेस पे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने लेग्स पे, आर्म्स पे, हैंड पे, फीट पे हम लोग इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली नेक पे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्रीम लगाने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या हमारा हाथ नहीं सही तरीके से मसाज कर सकता, तो ये स्प्रे जो है हम इजीली इसको हम लगा सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। एंड सेकेंड ये है जी प्रोटेक्टर, यूवी प्रोटेक्टर, ये भी 50 SPF है एंड ये है जी सनस्क्रीन, ठीक है। और सनस्क्रीन हमेशा सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद अपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है डे टाइम में। एंड अगर आप लोग ब्लॉगर हैं या इंस्टाग्राम पे आप लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे अभी रिसेंट जो है इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ से बात कर लूँ कि हमारी स्किन को डैमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। हमारी स्किन बर्न हो जाती है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उनकी स्किन बर्न होती है यूवी रेज से। जब हम लोग निकलते हैं स्पेशली मॉर्निंग में जब सूरज चढ़ता है, और अगर हम लोग की ड्यूटी टाइमिंग्स या हमारा निकलने का टाइमिंग्स उस टाइम पे है जहाँ पे बिल्कुल एक पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है, और एक दोपहर का टाइम जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है यूवी रेज के लिए, तो अपनी स्किन हमारी डैमेज बहुत बुरी तरीके से हो सकती है। बर्न हो जाती है, ब्राउन मार्क आ जाते हैं, मेलास्मा हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, और ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ये बहुत मुश्किल से जाती हैं, ठीक है। इसकी जब तक हम केयर नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट अपनी स्किन को करना, सनस्क्रीन एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन के डैमेजेस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम ज़रा थोड़े सा एक पॉइंट बनाते हैं कि सन ब्लॉक में और सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सनस्क्रीन जो होती है वो अब्सॉर्ब करती है यूवी रेज को अपने अंदर, स्किन तक नहीं आने देती, ठीक है। और जो सन ब्लॉक होता है वो यूवी रेज को आने ही नहीं देता, वो नेचुरली उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है कि वो आप तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो सनस्क्रीन हो या सन ब्लॉक हो, दोनों ही आई थिंक अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है आप सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी सनस्क्रीन जो होती है वो हम नॉर्मल बेसिस पे हम लोग यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली मैं बताती चलूँ समर की जो समर में जो गर्मी होती है दोपहर में, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस हो जाती है एंड ये आपके आगे चलकर हमारी स्किन पे ये हमें कैंसर भी बना सकती है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली आई लव समर, आई लव सनलाइट, मुझे बहुत पसंद है, बट इसके डैमेजेस जो हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं स्किन के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी। तो हमने अपनी प्रोटेक्ट कैसे अपनी स्किन को करना है, किसी भी ऐसे अपने जिस्म के हिस्से को जो कि हमारा बर्न हो सकता है, जिस पे रेज आ सकती हैं, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, आप प्रोटेक्टर स्प्रेज लगा सकते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आपकी स्किन जो है वो आपको स्वेटिंग हो रही है या आपका आप फील करें कि सनस्क्रीन उतर चुकी है, तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 times लगा सकते हैं, 3 times लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोग सनस्क्रीन एवरी डे यूज़ कर रहे हैं डे टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। एंड अब ज़रा थोड़ा सा हम लोग इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं कि हमें कौन सी जो सनस्क्रीन SPF 50, 30 जितने भी चल रहे हैं वो हमें किन स्किन टाइप के हिसाब से लेने चाहिए। सो अगर तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या आपकी नॉर्मल स्किन है, तो आपके लिए SPF 50 जो है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। बट अगर आपका कलर बहुत फेयर है तो आप 30, 15 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
फिर भी अगर आप एक दफ़ा जब आप बाय करते हैं तो आप ज़रूर पूछें, अगर आप ऑनलाइन नहीं बाय करें किसी शॉप से तो मेक श्योर किया करें कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं कि कौन सी टाइप के लिए, कौन सी स्किन टाइप के लिए आपकी SPF कौन सा आपके स्किन को सूट करता है, ठीक है। रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने भी मुझे मैसेज किया था एंड शी वॉज आस्किंग कि कौन सी उसको SPF जो होता है वो उसने 50 लिया था तो उसको प्लस की ज़रूरत थी। तो इसी तरीके से स्किन डैमेजेस जो होते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके उस टाइम पे सूरज के जिस टाइम पे सूरज को बहुत पीक पॉइंट पे होता है उस पे आपको 50+ की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आप की ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइप होता है 50+, ठीक है। उसको आप नॉर्मल अपनी स्किन पर अप्लाई करें एंड हमेशा जो यूज़ करने का तरीका है अपने हाथ पर हम लोगों ने स्किन सनस्क्रीन अप्लाई करनी है एंड देन हम लोगों ने रब करना है एंड देन हमने फेस पे, कभी भी डायरेक्ट फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करनी है। उसके एक अपने कॉजेज होते हैं, अपने रीजंस हो सकते हैं, बट ये एक नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लगाने का हमेशा अपने हाथों पे लगा के फिर अपने फेस पे लगाना चाहिए, ठीक है। और नेक के लिए हम लोग बैक पे स्प्रे कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं अपने हाथों पे, बाजों पे, जहाँ पे हमें पता है कि हमें रेजेज जो हैं वो जा सकती हैं, पहुँच सकती हैं। तो बहुत मैं ज़रूर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स समर में यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर के सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। क्लिक द बेल आइकॉन का मतलब ये होता है कि प्रेस बेल आइकॉन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेस बेल आइकॉन नहीं करते, आइकॉन को प्रेस नहीं करते, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल डेफिनेटली शेयर मोर कॉन्टेंट, मोर वीडियोज ऑन माई चैनल एंड आई हैव अ प्लान टू मेक सम व्लॉग्स ऑन दिस चैनल एंड सून आई विल शेयर विद यू गाइज। एंड जी, ये थी यस, आज की वीडियो, आई होप कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मजीद अपडेट्स के लिए, मजीद वीडियोज के लिए अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी एंड यू कैन वॉच एंड यू कैन फाइंड माई वीडियो एंड चैनल ईजिली। सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब to my channel, click the bell You can also icon. follow me on Instagram. My ID is here and you can see. Yes, I'll see you in my next video. Till then, bye.